दिस इज सी ज्योति गर्ग। आज जो स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करेंगे वो आपका रहेगा आपका एस ए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सिर्फ स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर है जहां से आप ये डॉक्यूमेंट ये वाला चार्ट डाउनलोड कर सकते हो, तो पहले डाउनलोड कर लेना उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना। चलिए स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर ब्रांच और हेड ऑफिस, ब्रांच और हेड ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सब इंटर में पढ़ के आए हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रांच अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है और इंटरनल हेड ऑफिस अपने, राइट। लेकिन जो हेड ऑफिस है उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है, उसके अंदर ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच का सेल, राइट। तो सर ऐसे 600 फ्रेम में आता है, हम ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं जिसके अंदर किसी अदर कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड है। हम ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड है जिसका ऑडिट किसी और ने किया है, लाइक हेड ऑफिस के केस में ब्रांच की इंफॉर्मेशन, राइट। ऐसे ही सर कंसोलिडेशन भी बनाते हैं, होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन बनाती है जिसके अंदर वो अपनी होल्डिंग की इंफॉर्मेशन भी रखती है और सब्सिडरी की भी इंफॉर्मेशन रखती है, राइट। तो ऐसे 600 बताता है कि इन सारी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, लाइक होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्रांच का इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑडिटर ऐसे 600 ने जो हेड ऑफिस का ऑडिटर है या कंसोलिडेशन का जो ऑडिटर है उसके लिए वर्ड यूज किया प्रिंसिपल ऑडिटर, और जो ब्रांच या सबसी का ऑडिटर है उसके लिए वर्ड यूज किया अदर ऑडिटर, राइट। तो इसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ब्रांच इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो आपके हेड ऑफिस के अंदर आ रही है, उसके बारे में बात करता है आपका एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, तभी ये स्टैंडर्ड का नाम है, ठीक है। सर स्टैंडर्ड को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका रहेगा ऑडिट प्रोसीजर, एक एक करके पिक करते जाते हैं और डिस्कस करते जाते हैं। पहली बेसिक चीज, ऑल दो स्टैंडर्ड में भी लिखी हुई है लेकिन यह ऑडिट की बहुत बेसिक चीज है सर, एक सीए दूसरे सीए के काम पर रिलाय कर सकते हैं अनलेस कुछ डाउटफुल सिचुएशन ना आए, ठीक है। तो जो ब्रांच का ऑडिट कर रहा है सर वो भी सीए है, और जो हेड ऑफिस का ऑडिट कर रहा है वो भी सीए, तो एक सीए दूसरे सीए का काम पर रिलाय कर सकता है, तो उसके काम के रिगार्डिंग आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। पहली चीज है एडवाइस, यहां पे सर ऑर्डर नहीं है, वर्ड यूज है एडवाइस, कि प्रिंसिपल ऑडिटर किस किस चीज के रिगार्डिंग हेड ऑडिटर को अदर ऑडिटर को ब्रांच के ऑडिटर को एडवाइस कर सकते हैं। पहली चीज कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट का क्या यूज होने वाला है, यूज ऑफ इट्स रिपोर्ट, हम पहले ही बता देंगे ब्रांच ऑडिटर को कि सर आपकी ऑडिट रिपोर्ट का हम किस तरीके से यूज करेंगे। दूसरा है एरिया, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को लगता है कि ब्रांच के अंदर कोई सिग्निफिकेंट एरिया है जिसको ध्यान से चेक करने की नीड है, जिसको स्पेशल कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम ब्रांच ऑडिटर को बोल सकते हैं कि सर इसको थोड़ा ध्यान से चेक करना। तो पहला क्या था, उसके रिपोर्ट का किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं ये बात बताएंगे। दूसरा अगर उस ब्रांच पे कोई सिग्निफिकेंट एरिया है उसके बारे में बताएंगे। थर्ड है सर टाइम टेबल, टाइम टेबल का क्या मतलब है, हेड प्रिंसिपल ऑडिटर पहले ही बता देगा कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट कब तक फाइनल करके देगा, सो डेट ब्रांच ऑडिटर उसके अकॉर्डिंग अपना काम उसको टाइमली करके दे दे, राइट। नेक्स्ट है कुछ सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड की कोई रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की कोई रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उन सबके बारे में आप एडवाइस कर सकते हो किसको, अदर ऑडिटर को, उसके रिपोर्ट के यूज का, कब तक आपको वो रिपोर्ट फाइनल करके दे दे, उसके ब्रांच पे कोई इंपॉर्टेंट एरिया है उसके बारे में, और कोई स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स है, इन सब के बारे में आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा आप उसका काम यूज करने से पहले, उसके काम को यूज करने से पहले ही उसे पूछ लोगे कि उसके स्कोप के ऊपर मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन तो नहीं लगाया, बिकॉज ये हमारे इंडिपेंडेंट को हार्म करेगा, और इंडिपेंडेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक चीज यहां पे मिसिंग हो गया, एक पॉइंट सर, वैसे तो
सिर्फ एक ही केस है, अगर आपका जो क्लाइंट है उसकी ब्रांच अगर फॉरेन में है, फॉरेन ब्रांच है, तो हो सकता है केस है कि वहां पे ऑडिटर मतलब एक सीए के अलावा कोई और ऑडिट कर रहा हो। इस केस के अंदर अगर सीए के अलावा किसी और ने ऑडिट किया है तो उसका काम यूज करने से पहले एक और एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, सर आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेना कि वो इतना क्वालिफाइड था कि नहीं था कि आप उसका काम यूज कर सको, राइट। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर, ऐसे 600 बोलता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर के बीच में प्रॉपर लाइजिन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑडिटर के पास राइट है कि वो डिस्कस कर सके कि आपने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स किए हैं, राइट। लेकिन एक चीज याद रखना कि सर आप उसके ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो लेकिन कभी भी उसके वर्किंग पेपर नहीं ले सकते। आप प्रिंसिपल ऑडिटर कभी भी अदर ऑडिटर के वर्किंग पेपर नहीं ले सकते बिकॉज वर्किंग पेपर उसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप उसके ऑडिट प्रोसीजर्स को चेक करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप उसको क्वेश्चनेयर बना के भेज सकते हैं, आप उसको चेकलिस्ट भेज सकते हैं, राइट। आप उसको बोल सकते हो कि सर एक बार अपने काम का समरी हमें बना के दे दीजिए, आप उस समरी को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन आप उसके वर्किंग पेपर्स नहीं ले सकते। और इन सब के बेसिस पे अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को लगे कि किसी एरिया को फिर से चेक करने का नीड है या डिटेल में चेक करने का नीड है, वो सप्लीमेंट्री टेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? और सर जितना भी कम्युनिकेशन होगा ये सब कुछ राइटिंग में होगा, सब कुछ रिटर्न में होगा। स्टैंडर्ड ने बोला कि आप इन स्पेसिफिक एरियाज के बारे में एडवाइस कर सकते हो, आप चेक करोगे उनके ऊपर कोई लिमिटेशन तो नहीं है। अगर जो सामने वाला ऑडिटर है वो फॉरेन ब्रांच है और सीए के अलावा कोई और ऑडिट कर रहा है तो आप उसकी क्वालिफिकेशन भी चेक करना। दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर जो उस केस में आपको करने हैं, राइट, इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। दूसरी चीज, अब आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन यूज भी करनी है, वैसे तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो बिकॉज सीए है, लेकिन स्टिल आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसको ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में कि उसने किस तरीके से चेक किया है और वो चेक प्रोसीजर्स को डिस्कस करने का तरीका क्या है। तो क्वेश्चनेयर करना, चेकलिस्ट करना या समरी चेक करना। इसके अलावा आप उसका ये चीज याद रखना कि वर्किंग पेपर नहीं ले सकते। दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज आती है और अब तो एमसीक्यूज भी आते हैं। तो सर दीज आर द थ्री ऑप्शन जिनके बेसिस पे आप उसके ऑडिट प्रोसीजर चेक कर सकते हो, राइट। और आप चाहें तो आप बोल सकते हो सप्लीमेंट्री टेस्ट के रिगार्डिंग, किसी एरिया में अगर आपको लगता है चेकिंग के बारे में तो आप बोल सकते हो। दीज आर द, ये ना प्रिंसिपल ऑडिटर का राइट है। उसके अलावा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर एंड ऑडिट रिपोर्ट। इसको हम साथ में पढ़ेंगे। सर प्रिंसिपल ऑडिटर अपने हेड ऑफिस वाली रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ब्रांच अपने ऑडिट रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए हम ऑलरेडी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख देते हैं कि सर मान लीजिए उसकी चार ब्रांचेस थी, तो सर हम इन चार ब्रांचेस का ऑडिट हमने नहीं किया, इनका ऑडिट किसी और ने किया है। तो आप ऑलरेडी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दोगे कि सर इन सबका ऑडिट हमने नहीं किया, क्लियरली अपनी रिपोर्ट के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता दोगे सी सर ये वाला काम मैंने किया है, हेड ऑफिस का काम मैंने किया है, इनकी जो ये दो ब्रांच थी ए एन बी इनका ऑडिट मैंने नहीं किया। अगर कोई ऐसी ब्रांच है जिसका ऑडिट हुआ ही नहीं है तो आप ये बात भी इंक्लूड कर दोगे अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो पहले डिस्क्लोज कर देना कि किसका काम आपने किया और किसका नहीं, आप सिर्फ अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ब्रांच के लिए नहीं। ये बात समझ में आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। अब सर दो स्पेसिफिक केस है रिपोर्टिंग के बारे में। पहला दो स्पेसिफिक चीज है जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो ब्रांच का ऑडिटर है उसने अपने रिपोर्ट के अंदर कोई क्वालिफिकेशन दिया है तो क्या प्रिंसिपल ऑडिटर इस क्वालिफिकेशन के ऊपर से किस तरीके से रिएक्ट करेगा? सर क्वालिफिकेशन कब देते हैं या फिर मॉडिफाई ओपिनियन कब देते हैं? अगर आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है, राइट,
अब सर हो सकते वो चीज ब्रांच लेवल पे तो इम्पोर्टेंट हो, उसके लिए तो मटेरियल हो, इसने उसने क्वालिफिकेशन दे दिया, लेकिन हो सकता है कि वो एज ए होल मतलब हेड ऑफिस के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ब्रांच ऑडिटर था सर, वहां पे 5 लाख भी इम्पोर्टेंट थे, हेड ऑफिस के लिए सिर्फ 5 लाख मटेरियल नहीं है। तो अगर सामने वाले मतलब ब्रांच ने अपने ब्रांच ऑडिटर ने अगर क्वालिफिकेशन दिया है तो हम बाउंड नहीं है कि हमेशा उस क्वालिफिकेशन को अपनी रिपोर्ट में रखेंगे ही रखेंगे। हम पहले एनालाइज करेंगे कि क्या वो हमारे लिए एज ए हेड ऑफिस के बेसिस पे भी एज ए होल वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, मटेरियल है कि नहीं है। अगर वो हमारे लिए मटेरियल नहीं है तो हम नहीं लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। मटेरियल है तो हम भी क्वालिफिकेशन दे देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। लेकिन सर अगर आपने उसकी रिपोर्ट को इग्नोर किया है तो आप ये चीज अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख के बताओगे कि सर ब्रांच के अंदर क्वालिफिकेशन था लेकिन हमें ये चीज एज ए होल इंपोर्टेंट नहीं लगी हेड ऑफिस के लेवल पे, तो हमने इंक्लूड नहीं किया। बात समझ में आई? ये था पहला केस। दो केस हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज कि सर अदर ऑडिटर ने अपने यहां पे क्वालिफिकेशन दिया था तो जरूरी नहीं है प्रिंसिपल ऑडिटर इंक्लूड करे ही करे, वो पहले अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग चेक करेगा एज ए होल वो चीज मटेरियल है कि नहीं है, अगर होगी तो ही इंक्लूड करना, अदरवाइज नहीं। ये था पहला केस। दूसरा केस सर क्वालिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर। सर ब्रांच की वजह से आप कब कब क्वालिफिकेशन दे सकते हो? पहला केस तो यही हो गया, उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया था, ब्रांच पे कोई मिस्टेरियल मिसस्टेटमेंट थी, वो हमारे लिए भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हम अपनी क्वालिफाइड कर देंगे। दूसरी चीज सर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ब्रांच की लेकिन आपको ब्रांच का इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं, आपने क्वेश्चनेयर भेजा सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो इन सारे केसेस के अंदर भी आप अपना ओपिनियन क्वालिफाइड कर दोगे बिकॉज ऑफ ब्रांच। हम सिर्फ यहां पे वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं जहां पे सर आप ब्रांच की वजह से अपना ओपिनियन चेंज करोगे। पहली चीज वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, एज ए होल भी मटेरियल था, चेंज कर देना। दूसरी चीज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी लेकिन आपको सफिशियंट इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। बात समझ पा रहे हो? लेकिन सर ये याद रखना हम उनके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खाली अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने किस तरीके से उसकी रिपोर्ट को ट्रीट किया, इंक्लूड किया कि नहीं किया, अगर इग्नोर किया तो क्यों किया, ये बात अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और क्या लिखेंगे कि सर कौन सा काम हमने किया और कौन सा अदर ऑडिटर ने किया है, ये चीज लिखोगे। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया? हमने किया सर सामने वाले ने क्वालिफिकेशन दिया ब्रांच ने तो जरूरी नहीं है हम भी क्वालिफिकेशन दें, हम पहले चेक करेंगे एज ए होल वो चीज मटेरियल है कि नहीं है, अगर यहां के लिए वो मटेरियल नहीं तो हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दे सकते हो, आपको ब्रांच का इन्फॉर्मेशन चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिला। बात समझ में आई? सर ये था आपका छोटा सा स्टैंडर्ड SH-600 जो बात करता है कि अगर आप किसी कंपोनेंट के इन्फॉर्मेशन को भी चेक कर रहे हो, मतलब आपने हेड ऑफिस का इन्फॉर्मेशन चेक करा और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स को किस तरीके कंपोनेंट मतलब आपका ब्रांच होल्डिंग सॉरी सब्सिडरी एसोसिएट्स इन इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से चेक करोगे, इस तरीके से आप चेक करोगे। एक और चीज प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा और ये कम्युनिकेशन हमेशा राइटिंग में होगा। रिपोर्ट सर ब्रांच ऑडिटर अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और प्रिंसिपल अपने काम के लिए, जरूरी नहीं है ब्रांच ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दिया आप भी क्वालिफाइड करो अपनी रिपोर्ट में, आप चेक करना वो चीज मटेरियल हो तभी एज ए होल तो ही अपना मटेरियल देना क्वालिफाइड करना, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दे देना, लेकिन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में हर चीज मेंशन करना कि सर कौन सा काम आपने किया और कौन सा नहीं किया, और कोई ब्रांच अगर ऑडिट नहीं हुई है तो उसको भी आप इंक्लूड कर देना। बात समझ में आई? सर उसके अलावा एक छोटा सा डिस्कशन ब्रांच ऑडिट के बारे में आपका कंपनी ऑडिट में भी आता है आपके सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 के अंदर, जहां भी लिखा हुआ है सर कि प्रिंसिपल ऑडिटर को वो सारे राइट हैं जो 143 में लिखे हैं ब्रांच के केस में भी। इसका ये मतलब हुआ कि सर आपके पास राइट है, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ब्रांच विजिट कर सकते हो, मतलब वहां पे जाके आप ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक कर सकते हो, लेकिन बस ये याद रखना ऑडिटर का वर्किंग पेपर नहीं ले सकते। अगर प्रिंसिपल
ऑडिटर को लगे कि रिक्वायरमेंट है तो वो ब्रांच की बुक्स को भी चेक कर सकता है, ब्रांच की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। ऑल्दो वो रिलाई कर सकता है, लेकिन कोई डाउट आता है तो उस क्लैरिटी के लिए वो ब्रांच का इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकता है, लेकिन कभी भी वर्किंग पेपर आप यूज नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हो? पहला था कि आप कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे अगर आप, ठीक है, ये ऑडिट प्रोसीजर्स है। दूसरी चीज थी कि सर उसको काम को यूज करने से पहले एक बार जो ब्रांच के ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स के आप उनको चेक करना चाहते हो, तो दीज आर द मेथड जिनको यूज करके, ये चीज इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना बिकॉज एमसीक्यूज अब आ रहे हैं। ये तीन मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप उसके प्रोसीजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आप कभी भी उसका वर्किंग पेपर नहीं लोगे। इसके बेसिस पे आप सप्लीमेंट्री टेस्ट के लिए भी बोल सकते हो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर दोनों अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपने रिपोर्ट में लिखना कि सर हेड ऑफिस का कि आपने किस ब्रांच का ऑडिट किया और किसका नहीं किया, या किस ब्रांच का ऑडिट हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट लास्ट आता है सर रिपोर्टिंग। सामने वाले ने ब्रांच में अगर क्वालिफाइड दिया तो जरूरी नहीं है आप भी क्वालिफाइड करो, आप देख लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो भी करना। अगर सामने से इन्फॉर्मेशन नहीं आती जो आपको चाहिए थी, आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइड डिस्क्लेमर कर देना। बात समझ में आई? सर ये था आपका स्टैंडर्ड SH-600। इसके अलावा आपको अगर ऑडिट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।